हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज का वादा ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं, तो उसको मैंने देखा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर भी जो अवकलन आपकी सीरीज चल रही है, यहाँ पर भी आपको टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज जो मिलेगी, जो कि जिसमें बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें जीनियस एकेडमी। तो चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। हमने आपको कल इसके बारे में सूत्र और फार्मूले बताए थे, तो देखिए मान लो कि ये कोई एक्स क्यूब है, कोई फंक्शन ले लिया हमने, तो अब हमें इसको अगर अवकलन इसका करना है तो हमें इसको लिखेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। और जब हमने आपको ये बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है, तो जब आप इसमें देखिए तीन लिखिए, क्योंकि n क्या है, x की पावर n, मतलब कि x की पावर तीन है और यही आपका n है, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, तो आपका क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, तीन में से गया दो, तो कुल मिला के ये हमारा आ गया एक्स क्यूब का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर किसी भी चर राशि के पहले अगर कोई कांस्टेंट राशि आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम चर राशि में जो गुणा है अचर राशि, ये आपकी अचर राशि है और ये आपकी चर राशि, अगर किसी चर राशि में किसी अचर राशि का गुणा कर दिया गया है तो उसको हम अवकलन करते समय उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन बाहर करेंगे गुणज के रूप में बाहर करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, अब जब हम इसको यहीं पे ऐसे लिख देंगे, उसके बाद जब आप 4 एक्स की पावर 4 का अवकलन करोगे तो हो गया क्या, 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1, अब 4 और 2 का गुणा एक्स हो जाएगा, 4 दुनी 8 और ये एक्स क्यूब, तो कुल मिला के ये 8 एक्स क्यूब आपका आ गया, तो 8x क्यूब और 3x स्क्वायर। जैसा कि आप यहाँ हमने चर राशि को किससे अलग किया, इस किससे अलग किया, ये आप कर सकते हो, तो कुल मिला के अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 2x। अब ये बताइए कि हमने आपको सिंपल सा कल बताया था कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर साइन 2x आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ हमने आपको लिखा भी है कि किसी फंक्शन को कैसे टी मानकर सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन में आपको हम ये दिखाने वाले हैं कि कैसे हम टी मानकर किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम खाना खाने बैठें, अगर सामने थाली परोस दी जाए तो हम पूरा खाना एक बार में नहीं खा पाते, ठीक उसी प्रकार अवकलन भी है। अवकलन में अगर किसी बड़े सवाल को सॉल्व करना है तो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये एक छोट, क्योंकि बड़ी राशि को हम छोटी में कन्वर्ट करते हैं, किसी कोई बड़ा फंक्शन दिया है उसको हम छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ भी वही करेंगे, किसी फंक्शन को टी मानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका केवल और केवल यही इसीलिए मानने की जरूरत, क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि जैसे कोई लकड़ी हो, अब लकड़ी को एक बार में अगर पूरी तोड़नी हो तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में करके तोड़नी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिला के यहाँ भी अवकलन में भी वैसा ही है। तो देखो ये साइन 2x है, अब इस साइन 2x को हम क्या करेंगे कि हमको पता है साइन x का अवकलन होता है cos x, हमको पता है साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन हमें साइन 2x का अवकलन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 2x को मान लेंगे t। अब लेकिन हमको ये पता है कि 2x जो होता है 2x वो उसका अवकलन हम बड़े आराम से कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया इंटू, उसके बाद जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होता है 1, वो कैसे, x की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 0,
वन माइनस वन, क्योंकि एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पे जब इसका जीरो हो जाएगा तो x की पावर जीरो, इसका मतलब कि x की पावर जीरो का मतलब एक हो गया, तो ये टू के बराबर आ गया। तो कुल मिला के जो हमने ये माना इसको t, उसका एक बार अगर हमने क्या किया, उसका हमने एक बार अवकलन करा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि t बराबर हमारा क्या था 2x, और उसको जब हमने यहाँ पे अवकलन कर दिया, ये हमारा एक पूरा फंक्शन दिया था आपको 2x, जब इस हमने इसको x के सापेक्ष अवकलित किया तो हमारा ये क्या आ गया 2। तो कुल मिला के जब इसका 2 आ गया तो हमने इसको माना था क्या sin t। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देखो कुल मिला के हमने जो ये माना था, ये हमारा dt by dx कितना आ गया 2 आया। अब जब यहाँ पे हम करेंगे तो d और dt करेंगे, क्योंकि हमने 2x को t मान लिया है। यहीं पे मानने की प्रक्रिया हम कैसे सीखेंगे, देखो यही हम बता रहे हैं आपको, यही सीखना है कि t कैसे मान के सॉल्व करते हैं, d dt ऑफ sin t, क्योंकि 2x को हमने ऑलरेडी मान लिया है t। क्यों, अब एक चीज़ ये जान लेना, हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी ये बातें कि जो चीज़ फंक्शन में दी गई है उसी के बिहाव पे वो सापेक्ष फंक्शन आपको डी टी लगाना है, डी एक्स लगाना है, डी वाई लगाना है, जैसे भी करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे टी है साइन टी, तो हमको डी टी से करना है, डी टी के सापेक्ष करना है। तो अब ये बताओ कि जिसको हम टी माने हैं, एक बार उसका पुनः अवकलन करके उसी में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, समझ गए। अभी बताएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसको भी समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए होता कैसे है। अब बताओ साइन टी का आप तो आकलन कर सकते हो ना, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, उसी तरह साइन टी का कॉस टी। तो कुल मिला के इसका कॉस टी आ गया। उसके बाद अब जब डी टी वाई डी एक्स करोगे तो इसका तो आकलन हमें पता चल गया ना, तो टू कॉस टी आ गया ये बात। अब उसके बाद जब ये 2 cos t आ गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको t में मान चाहिए तो t में रखिए, नहीं x में चाहिए तो x में, तो हमने t बराबर 2x माना है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखो बड़े सिंपल वे से हमारा ये आंसर आ गया। तो कुल मिला के अब आप ये भी जानिए कि हमने इसको ऐसा क्यों किया, आप ये भी जानिए कि हमने इसको ऐसा क्यों किया। तो चलो जानते हैं इसको हमने ऐसा क्यों किया, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। जब आप किसी फंक्शन को सॉल्व करते हो तो उसका जो गुणन आता है वो d बाई डी एक्स आता है ऑफ एफ एक्स। यही अगर मान लो आपने किसी चीज़ को d डी टी ले लिया है, ऐसे डी टी, और वो फंक्शन आपने ले लिया है, मान लो कि वो फंक्शन कुछ भी हो और ये डी टी बटे डी एक्स लिख लिया जाए, तो कुल मिला के ये फंक्शन तो वही आ गया ना, ये फंक्शन वही आ गया। अब यहाँ पे अगर ये देखो ऐसे ऐसे इसको कैंसिल कर दो तो कुल मिला के ये फंक्शन वही मिल जा रहा है, ये देखो इतनी वाली बात। ये ऐसे सामान्य तौर पे कैंसिल नहीं होता है, लेकिन आपको समझने की अगर एक अप्रोच चाहिए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर डी टी को डी टी से कैंसिल कर दें तो ये बात वही प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिला के हम उसे मूल पे पहुँच जाते हैं जहाँ हमको पहुँचना है। तो कुल मिला के ये आ गई बातें आपकी, इसका हम कैसे टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल भी इसी तर्ज पे है, उसको भी देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम टी मान के सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें 2 sec² 2x + 3 है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आप 2 को बाहर रखिए, उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर 2x + 3। लेकिन हमें sec स्क्वायर 2x + 3 का अवकलन पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इस, पहले हम इसको मानेंगे sec को t मानेंगे, इस पूरे को sec 2x + 3 को हमने मान लिया t, मान लिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो ये क्या बन जाएगा 2 into dx। अब लेकिन यहाँ पे पूरा x था, लेकिन अब जब t मान लिए हैं तो ये क्या बन गया है, ये बन गया हमारा t
स्क्वायर, क्योंकि हमने सेक को पूरा टी मान लिया ना, तो ये स्क्वायर इसके फॉर्म में है, तो टू स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स से यहाँ गुणा कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे आएगा अवकलन करने पर, जो टी मानेंगे और टी के अवकलन करने पर उसको हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के आप यहाँ देखिए, जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको sec x का अवकलन पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है, आपको sec 2x plus 3 का अवकलन नहीं पता है। तो हमने अभी बताया था कि आप क्या करिए कि sec x का अवकलन आप लिख लीजिए। sec x का अवकलन कैसे लिखेंगे, देखो sec x का अवकलन लिखेंगे sec x into tan x होता है, sec x into tan x, लेकिन यहाँ पे 2x plus 3 है, तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, यहाँ पे जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, 2x plus 3 लिख दीजिए और इंटू टेन 2x plus 3 लिख दीजिए। ये इतना आपने लिख दिया, sec 2x plus 3 इंटू टेन 2x plus 3, हमने आपको बताया है sec x का फॉर्मूला sec x इंटू टेन x होता है। उसके बाद क्या करना है, यही 2x plus 3 का अवकलन हमें यहाँ पे कर देना है। तो चलो इसका भी अवकलन कर देते हैं। तो बताओ 2x में अभी अवकलन बताया था, 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 लिख देंगे, लेकिन जब हम 3 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक बार हम अवकलन करके इसका भी करते हैं, तो कुल मिला के हमारी बातें कितनी आ गई, sec 2x plus 3 into tan 2x plus 3, यहाँ पे आपको ये प्राप्त हो गया। तो बस अब कुछ करना नहीं है, ये 2 है इंटू, आप जब इसका करेंगे अवकलन तो क्या होगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि 2t 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2t। आगे आप इसी गुणा कर दिए, 2 sec 2x plus 3 इंटू tan 2x plus 3, ये आ गई बात। अब यहाँ से आप देखो गुणा करो, 2 इंटू 2 आठ आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, sec 2x plus 3, तो चलिए sec 2x plus 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, sec 2x plus 3। उसके बाद यहाँ पे ये sec 2x plus 3 आपको फिर दिया है इंटू tan 2x plus 3। अब ये देखो और ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, sec square 2x plus 3 इंटू tan 2x plus 3, यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तौर पे आप कर सकते हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लेंदी लगा होगा, लेकिन ये जो टॉप 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसके बिहाव पे क्या है, ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार पुनः देखिएगा, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो हमारी सीरीज के लिए ये पहला क्वेश्चन था, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। अभी एक क्वेश्चन और है, जिसको ये दूसरा क्वेश्चन है आपका sec tan रूट एक्स, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको भी ये क्वेश्चन दिखाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है। आज थोड़ा हम कम ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना है, आपको भी देखने में आसानी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। अब बताओ कि इसमें हम क्या टी मान लें, इस पूरे को टी मान लिया जाए, तो चलिए इसको मान लिया जाए tan रूट एक्स। अब यहाँ पे आप बताओ कि जब आप इसका अवकलन करोगे dt by dx, तो हम tan रूट एक्स का तो अवकलन जानते नहीं हैं, लेकिन tan में अगर इसको हटा दिया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, तब हो सकता है, तो तब क्या हो सकता है। अच्छा, tan का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे x ना हो करके रूट एक्स है, तो रूट एक्स आप लिख लो, ठीक। उसके बाद ये जो रूट एक्स है, उसी का आप एक बार अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन जब आप करोगे तो ये बन जाएगा क्या, 2 रूट एक्स। अब कहोगे वह 1/2 रूट एक्स आया कहाँ से, चलिए देख लेते हैं। x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। जब आप इसको करोगे तो ये क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यही तो होता है ना, एन एक्स एन माइनस वन, तो कुल मिला के 1/2 x, और ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको
टू अंडर रूट में एक्स कर सकते हो, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वही हमने डायरेक्टली आपको लिख दिया है, तो ये चीज़ें आपको भी समझनी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आप ये इसको लिख लीजिए, सेक हो गया। उसके बाद जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हमने टी माना है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, और क्योंकि यहाँ पे आप डी से डी टी में कर रहे हो, उसके बाद डी टी बाई डी एक्स कर दो, वही गुणा करना है। जब आप sec t करोगे तो क्या हो जाए, sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, उसके बाद dt टी बाई डी एक्स, इसका मतलब कि sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। अब sec t का मतलब होता है sec रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स अपान में, इसको अपान में ही है, टू रूट एक्स हो गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला sec स्क्वायर है, यहाँ पे एक sec है, तो ये sec क्यूब बना लेगा। तो कुल मिला के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि sec क्यूब रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अपान टू रूट एक्स, यही आपका आंसर आ गया। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे देखा कि ये बहुत ही अच्छा वे था इसको बताने के लिए। अभी हमने केवल एक देखा कि हम केवल एक पद हो तो कैसे करें, लेकिन जब दो चर राशियां अलग अलग गुणा में आ जाएं, भाग में आ जाएं, तो क्या करेंगे। तो चलिए उसका फॉर्मूला भी हम देख ही लेते हैं यहीं पे। इसको पहले चलो इसको मैंने मिटा दिया है। अब आगे देखते हैं कि अगर दो फंक्शन हो, एक एफ एक्स और जी एक्स, जैसे कोई फंक्शन एक्स इंटू वाई या फिर कोई फंक्शन एक्स क्यूब ई एक्स है, मतलब कुल मिला के अलग अलग फंक्शन हो दो, जैसे ये है, और गुणन में हो, तो हम उन फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है। तो कुल मिला के करेंगे क्या, पहले एफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करेंगे, मतलब कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस जी एक्स, का मतलब होता है कि द्वितीय फंक्शन उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हिंदी में बहुत सारी किताबों में लिखा गया, कैसे, प्रथम फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन, ये डी बाई डी एक्स ये शो कर देता है आपको कि इसका अवकलन करना है, प्लस द्वितीय फलन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम फलन। अब अगला है हमारा ये एफ एक्स अपान जी एक्स, मतलब ये भाग की संक्रिया। अगर कोई दो हैं, कोई दो फलन है और वो भाग की संक्रिया के रूप में है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, माइनस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले क्या करेंगे, एक मिनट, जी एक्स पहले लिखेंगे, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, माइनस करेंगे एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का होल वर्ग कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला हो गया ये भाग की संक्रिया के लिए। अब इसी को कैसे लिखते हैं, जैसे ये द्वितीय है तो लिखेंगे द्वितीय फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम फलन माइनस एफ एक्स, में देखिए एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया हमारा, एफ एक्स मतलब प्रथम फलन, प्रथम फलन डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन, ये हमारा द्वितीय फलन हो गया। और इसमें क्या करेंगे, ये जो हर है, हर का मतलब ये जो आपका हर है उसी का स्क्वायर कर देंगे, या द्वितीय फलन का स्क्वायर। अब इसी पे के बिहाफ पे चलिए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स। इसमें देखिए दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस लगाएंगे ई एक्स करेंगे उसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब जब आप एक्स क्यूब ऐसे लिख लो, ई की पावर एक्स का हमने अवकलन बताया था कि ई पावर एक्स ही होता है, उसके बाद ई की पावर एक्स, थ्री एक्स की पावर थ्री का अवकलन होगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसमें ई की पावर एक्स इधर दिख रहा है, ई की पावर एक्स इधर दिख रहा है, तो ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, यही आपका हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन जो कि आपकी गुणन की श्रृंखला में आया, इसी तरह भाग की श्रृंखला में भी आप कर लेंगे। चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।